अशिम भाई क्या हो था घर है ना व्हाइट सीमेंट का तो जश्न पर एक मिनट गाइस यहाँ पे कुछ काम है माशाल्लाह क्या जबरदस्त भी भाई इधर का ये लेके पूरे करके चाहूंगा ना यहाँ पे एक भाई मिला है ठीक होता से ठीक। हेलो भाई लोग क्या हाल चाल वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आज हम एक नया रोड ट्राई करने वाले हैं। एक्चुअली नया तो नहीं है बट काफ़ी टाइम जो है इस ब्रिज को लेके बाईपास का ये वाला रोड जो है बंद पड़ा हुआ था इसको अभी छूट दिया गया है। तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ से एक फोटो ब्लॉक के थ्रू पूरा रोड दिखाया जाए। और ये देखिए सामने ये वाला ब्रिज जो है इसी में कुछ तब्दीली के कारण जो है ये रोड बंद रखा हुआ था तो अभी जो है बिल्कुल अच्छे से जो है कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो आप लोगों ने देख लिया ये बाईपास रोड है। रोड के बंद होने की वजह से जो है बहुत सारे टूरिस्ट लोग को बहुत प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ता था। एक्चुअली इस रोड को जब से बंद किया है तब से गाड़ियों को जो है वहाँ से ऊपर की तरफ एक रोड है जो कि न्यूली फूल हुआ था एक तो ये भी है लेकिन यहाँ तक भी आने नहीं देते थे जब से ये रोड बंद था। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि उन गाड़ियों को जो है कहाँ से छोड़ते थे और उसमें उनको जो है क्या क्या समस्या जो है उनको फेस करना पड़ता था। तो अब उन सारे लोगों के लिए ये एक गुड न्यूज़ है कि ये वाला रोड जो है फिर से शुरू हो चुका है एंड रोड की कंडीशन आप देख सकते हो हाईवे है बाईपास यहाँ से आप सीधे बटाली की तरफ जा सकते हो और यहाँ से जो है आप शहर की तरफ से भी जा सकते हो। देखिए गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए हम सब के लिए कि ये रोड जो है फिर से जो है रीओपन हो गया है गाड़ियों के लिए। ये देखिए ये सारे गाड़ियाँ जितने भी बड़े हैवी मोटर व्हीकल्स इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था जब ये लोग जो है वो वाले रोड से ऊपर की रोड से जाते थे क्योंकि वो बिल्कुल एक तो चढ़ाई है और ऊपर से रोड जो है ना बिल्कुल पतला है ठीक है। कभी कभार वहाँ से गाड़ी मिलते तो उनको जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। यार क्या बोलूँ आपको वाटेक भी वहाँ पे ढंग से कर नहीं सकते। मेरे काफ़ी ब्लॉग्स में आपने वो वाला रोड देखा भी होगा ठीक है नहीं तो मैं फिर आपको दिखा दूंगा। तो ये रहा वो पॉइंट जहाँ से गाड़ी नहीं छोड़ते थे अब यहाँ से शुरू किया गया है। और जो जिस रोड की मैं बात कर रहा हूँ वो ये रहा गाइस ये रोड है यहाँ से जाते थे तो बहुत दिक्कत होता था बट गुड न्यूज़ है सारे लोगों के लिए कि अभी ये वाला भी छोड़ चुका है। तो अपना यहाँ पे एक भाई मिला है ठीक होता से ठीक। ये देखो गाइस यार ये अपना भाई है यार हैंडसम है बहुत ज़्यादा बंदे का लुक देखो माशाल्लाह यहाँ ठीक होते से ठीक कैसे मिनी यहाँ रिंगी लगा तुम मैं गाड़ी हूँ अच्छा अच्छा यहाँ मजो दे पक्का ही सुन मत वहाँ लास्ट का तो दे क्या वाइट सीमेंट का तो खुमोश और पहलो नहीं फिर दोनों यहाँ लास्ट का तो जान बस स्टील लोग यहाँ तैयार दो बनी ताते मिलता वीडियो में सुन मत गेटा गेटा शेर बसे ओके फोन। हाँ तो गाइस ये मेरा एक बहुत खास फ्रेंड है आपने इनको जो है मेरे जम्मू वाले ब्लॉग में देखे होंगे। तो काफ़ी अच्छा टाइम रहा था इसके साथ जम्मू में अच्छा टाइम गुजरा था। तो अभी एब्रप्टली जाते हुए बंदा जो है आप फिर से मिल गया ठीक है। मैं तो आपको रोड के बारे में बता रहा था बट ऐसे भाई मिल गया तो थोड़ा बहुत बातचीत हो गया। इन्होंने जो है ब्रिज को इतना ज़बरदस्त तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है कि आप काफ़ी यानी कि बहुत ज़्यादा सालों तक जो है आप उसमें कोई भी एक समस्या जो है आएगा ही नहीं ठीक है। वरना वहाँ पे ऊपर से पत्थर गिरते थे और थोड़ा बहुत पहले जो है कंजस्ट टाइप का था। तो भाई लोग यार आप लोग बता दो यार आप लोग कमेंट में बोलते नहीं हो और लाइक तो आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो यार मेरे वीडियोज़ को बस ऐसे छपे रुस्तम की तरह आप लोग आते हो एक दो मिनट वीडियो देख के फिर आप लोग फिर से वाइब हो जाते हो। यार कभी लाइक भी किया करो कभी कमेंट भी किया करो कभी शेयर भी किया करो एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो भाई के चैनल को सपोर्ट कर लो ठीक है। मैं वैसे यूट्यूब को जो है गिव अप करने वाला था क्विट करने वाला था बट मेरे कुछ फ्रेंड से उन्होंने बोला एक डेढ़ साल का यहाँ पे आपने बहुत एफर्ट दिया है तो इस तरह इस रास्ते में इसको इस रास्ते छोड़ो मत। उन्होंने मुझे वापस से मोटिवेट किया इसकी वजह से मैंने फिर से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बाकी ये सामने का व्यू आप देख सकते हो माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त व्यू है इधर का ये लेके पूरे करके चाहूँगा आपको यहाँ से कुछ ग्लिम्स मिलेगा यहाँ से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ साइड में लेके ये देखिए ठीक है
वहाँ नीचे हाई स्कूल पॉइंट है और बाकी पूरा करगिल टाउन ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत आपको लग रहा होगा। तो चलिए अब यहाँ से भी चलते हैं हम। तो वहाँ से जितने भी बड़े गाड़ियाँ आते हैं यहाँ से होके टाउन में पहुँचते हैं, तो यहाँ से अलाउ नहीं करते। आपने यहाँ पे चेक पोस्ट देखा होगा, ठीक है, तो यहाँ से उनको अलाउ नहीं करते। तो आगे जाके जो मेन उनको जाने का रास्ता था वहाँ से भी अलाउ नहीं करते थे कि ब्रिज का जो है काम हो रहा था और ऊपर किसी जगह से छोड़ देते थे। तो बहुत सारे लोगों को रास्ते का एक तो इतना पता नहीं होता था, बहुत सारा प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता था। तो वो सब जो है खत्म हो चुका है गाइस। तो ये रहा बहुत ही खूबसूरत सा बढ़िया सा प्यारा सा एक ब्रिज पॉइंट। आज अगर मेरे को टाइम हुआ तो मैं बाइक का ये ब्रेक भी थोड़ा बहुत चेक कर लूँगा। कभी ब्रेक जो है मेरा ना आगे का ब्रेक जो है फुल प्रेस करने के बाद भी बाइक जो है आगे चल रहा है, इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मैं ब्रेक लगाया हूँ, ठीक है। वरना डिस्क ब्रेक का तो हम सबको पता है कि हल्का सा आपको प्रेस करते ही कितना ख़तरनाक ये करता है। तो मैंने फुल प्रेस किया ब्रेक को तब भी बाइक जो है आगे को जा रहा है, मतलब इतना सा भी 1% भी ब्रेक ने काम नहीं किया। तो इस पर हम ध्यान देंगे और मैकेनिक से इसको भी एक बार ज़रूर चेक कराएंगे। बाकी यार भाई लोग अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करना। मैंने कोशिश किया है कि अच्छे से अच्छे कंटेंट जो है आपके लिए लेके आऊँ, तो उन वीडियोस को भी आप चेक करना और लाइक कमेंट शेयर भी करना, ठीक है। शेयर तो मस्ट करो यार, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो प्रो है यूट्यूब पे, वो लोग बोलते हैं कि जितना हो सके शेयर कराओ। शेयर करेगा कौन मेरे वीडियोज़ को? मेरे वीडियोज़ को तो लोग लाइक भी नहीं करते ढंग से, कमेंट तक नहीं आते, शेयर कौन करेगा। तो ये देखिए गाइस, पॉइंट के बीचों बीच हम पहुंच चुके हैं एंड बाइक का इंजन मैंने स्टिल ऑफ रखा है। और देखो मैं बाहर से जो है इंजन ऑफ करके आया हूँ न्यूट्रल में, तो देखो यहाँ तक तो आराम से पहुंच ही जाते हैं, लेकिन ये उस सिचुएशन में काम आता है जब आपको कोई आगे जल्दबाजी ना हो, ठीक है, अदरवाइज तो आपको स्टार्ट करके आना पड़ेगा। अंदर इंडिकेटर ही नहीं दे रहा है, मैं क्या करूँ। अगर जल्दबाजी नहीं हो तो आप वहाँ से बिल्कुल न्यूट्रल में आ सकता है। कुछ जगहों पे जो है आपकी बाइक का स्पीड जो है थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, बट आपको कोई जल्दबाजी नहीं होगा तो ठीक है। जल्दबाजी होगा तो डेफिनेटली आप टाइम लगा के स्टार्ट करके भगाओगे ज़रूर, तो वो बात है गाइस। तो आज वैसे बहुत सारा काम है, मैं बहुत ज़्यादा काम है बहुत ज़्यादा, तो अब उनके लिए मैं ब्लॉग तो नहीं बना सकता करना काम। ठीक है, अब काम अधूरे रह जाएंगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। दैट्स व्हाई आगे से ब्लॉग को हम एंड करेंगे। आगे से ब्लॉग को एंड करेंगे तो फिर मैं लग जाता हूँ अपने काम में एंड मिलेंगे आपके साथ और एक नए ब्लॉग में। तब तक आप बाकी ब्लॉग्स को भी चेक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब देखो यहाँ पे और एक मुसीबत होता है, यहाँ से जाएंगे शॉर्टकट बिल्कुल 15 सेकेंड में अपने घर के पास पहुँच जाएंगे जहाँ पर बाइक को हमने पार्क करना है। बट यहाँ से जो है वन वे किया इन्होंने और यहाँ से ऊपर की तरफ गाड़ियों को जाने नहीं देते, दैट्स वाई यहाँ से होके जाना पड़ रहा है। और यहाँ से फिर फातिमा चौक जाना है, फातिमा चौक से जो है घूम के आपको फिर मेन मार्केट से होके तब जाके आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। ये दिक्कत है गाइस, ये देखो आगे स्कूटी वाला बहुत ज़बरदस्त रश राइड कर रहा है। आगे जो स्कूटी वाला है बिल्कुल रश राइड कर रहा है गाइस, यहाँ से जा नहीं सकते क्या। आज हमने बहुत स्लो वाला राइड किया है गाइस, बहुत स्लो वाला राइड किया है, कछुआ वाला। मैं ऐसा राइड जो है रेयरली करता हूँ, ठीक है, बट आज मुझे अभी यहाँ पहुँचने के बाद रियलाइज़ हो रहा है कि राइड जो है अपना बहुत स्लो था, बहुत स्लो, वरना हम कब के पहुँच चुके होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक बंदा था कहाँ हशिम भाई, क्यों था घर देना व्हाइट सीमेंट का तो जिसमें एक मिनट गाइस, यहाँ पे कुछ काम है।
तो मैं निपटा के जाता हूँ, यहाँ पे पहुँचा है तो।